फाइनली क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस हो गए हैं पूरे, और अब सभी बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार है उनके रिजल्ट्स का। अभी तक हमारा फोकस था प्रिपरेशंस पर, और अब हमारा फोकस आ गया है कि भाई रिजल्ट कब आएगा और कैसा आएगा। और इस इंतज़ार वाले पीरियड में एक सवाल डेफिनेटली आप सभी बच्चों को परेशान कर रहा होगा कि यार ये जो क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट है, क्या ये सचमुच इम्पॉर्टेंट है? तो आ जाओ इस टॉपिक पर आज हम बात करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेविनेट सक्सेस पाठशाला। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स के ऊपर। अब देखो, ऐसा है कि क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन का आपका जो रिजल्ट होगा ना, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन में। कैसे? तो मेजॉरिटी स्कूल्स ऐसे होते हैं जो आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को 11th 12th में PCB लेना है, तो उसका जो स्कूल होगा वो उस बच्चे से बोलेगा कि भाई आपको कम से कम 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में 85% लेकर के आने हैं। अगर आपके 85% आ गए तो आपको 11th 12th में PCB मिल जाएगा, और अगर उससे कम मार्क्स आए, उससे कम आपके परसेंटेज बने 10th में, तो फिर आपको PCB नहीं मिल पाएगा। एक बच्चे को सपोज़ PCM लेना है 11th 12th में, तो स्कूल वाले उस बच्चे से बोलेंगे कि भाई आपको 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में कम से कम 80% तो लानी पड़ेंगे। अगर आपके 80% आ जाते हैं, वेल एंड गुड है, आपको PCM मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, 80% से आपका स्कोर कम होता है, तो फिर आपको PCM नहीं मिलेगा। लाइक दैट, तो आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए भी कुछ इसी तरीके के क्राइटेरिया जो है वो सेट कर दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 10th बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट होता है वो आपको स्ट्रीम सिलेक्शन में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट, कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो आपके 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के ऊपर आपको स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं 11th 12th में। फॉर सपोज एक स्कूल है जो स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है। कैसे? तो अगर आपके 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% मार्क्स आए हैं, तो इस अच्छे रिजल्ट के ऊपर वो आपको 11th 12th में स्कॉलरशिप देंगे। तो जो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए एक एडिशनल बेनिफिट उनको मिल जाता है। तीसरी बात, जब एक बच्चा 10th के बाद 11th 12th में अपना स्कूल चेंज करने का सोचता है, कि 10th तक वो एक स्कूल में था, फिर उसको लगा कि नहीं यार, ये वाला स्कूल ज़्यादा सही रहेगा 11th 12th के लिए, तो जब वो अपने स्कूल चेंज के बारे में सोचता है और जब वो न्यू स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाता है, तो न्यू स्कूल वाले बच्चे को 11th में एडमिशन देने के पहले उससे ज़रूर ये पूछेंगे कि उसके 10th में कितने परसेंटेज आए थे। मान लो कि एक बच्चा बोलता है कि भाई मेरे तो 55% ही आए थे 10th में, तो जो न्यू स्कूल होगा वो 2 मिनट सोचेगा कि यार इस बच्चे को हम एडमिशन दें या ना दें। और वहीं अगर एक बच्चा बोलेगा कि भैया मेरे तो बोर्ड एग्ज़ाम में 10th बोर्ड एग्ज़ाम में 90% आए थे, तो जो न्यू स्कूल होगा वो बहुत ही हैप्पीली उस बच्चे को वेलकम करेगा अपने स्कूल में। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जहाँ पर आपका क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो मैटर करता है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि मैम ये तो बात हो गई हमारी स्कूलिंग की, बट व्हाट अबाउट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़? हमारा वो ड्रीम कॉलेज है, हमारी वो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, तो उसमें हमें एडमिशन कैसे मिलेगा 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स के ऊपर? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को पता है कि इंडिया में कितने तगड़े नेशनल लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। उन कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में आपने कैसा परफॉर्म किया है, आपका कितना स्कोर रहा है, सबसे पहली बात तो आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया नहीं किया, आपका स्कोर कितना अच्छा रहा है, आपकी रैंक कितनी अच्छी आई है, उन सब बेसिस पर जो है आपको कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है। वहीं कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो अपना खुद का अलग से एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। तो सपोज़ एक कॉलेज का अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, आपने रैंक अच्छी हासिल कर ली है, तो डेफ़िनेटली आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, बिना आपसे ये पूछे कि आपके 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपका रिज़ल्ट क्या रहा था। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सपोज़ आप एक कॉलेज में गए हो और उस कॉलेज में केवल अब एक ही सीट अवेलेबल है, जो बाकी सीट थी वो पूरी बुक हो गई, अब केवल एक ही सीट अवेलेबल है, और उस एक सीट के लिए 2 कैंडिडेट्स हैं, तो उन दोनों कैंडिडेट्स में से किस कैंडिडेट को सीट मिलेगी, कैसे मिलेगी, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। कि सपोज़ मैं गई हूँ किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए और उस कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स थे 97, जो दूसरा कैंडिडेट आया उसके भी सेम मार्क्स हैं 97, यानी कि सीट एक और उम्मीदवार 2, और मुश्किल ये है कि दोनों ही कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो बराबर बराबर के हैं।
तो अब कौन से कैंडिडेट को मिलेगी सीट, तो वो डिसाइड किया जाता है 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पर, कि मेरा और जो दूसरा कैंडिडेट है उन हम दोनों के ही 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स पूछे जाएंगे। तो सपोज जो दूसरा कैंडिडेट था उसके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में मुझसे ज़्यादा मार्क्स थे, तो सीट उसको अलॉट हो जाएगी और मैं रह जाऊँगी। उसमें भी जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी, उसमें भी 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स मैटर करते हैं, 10th का आपसे नहीं पूछने वाला कोई भी। अब हम बात करते हैं जॉब इंटरव्यूज़ की, कि सपोज़ आपके कॉलेज में एक बहुत ही अच्छी कंपनी आई है, आपकी ड्रीम कंपनी आई है कैंपस प्लेसमेंट के लिए, और आप उस कंपनी में जॉब करना चाहते हो, और जॉब के लिए आप जाकर के इंटरव्यू दे रहे हो, और इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया कि बताओ आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका क्या रिजल्ट था, साइंस में कितने मार्क्स आए थे या मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे, तो बेटा उस सवाल से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि उस जॉब इंटरव्यू में जो आपसे पूछा गया है 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स, वो फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बनने वाला कि आपको वो जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सिर्फ जानकारी के लिए पूछा गया है। सामने वाला ये जानना चाहता है कि भाई हम जिस बंदे को अपनी कंपनी में अपॉइंट कर रहे हैं वो थ्रू आउट अपने पूरे अकेडमिक्स में कैसा परफॉर्म करता हुआ आया है, बस इस जानकारी के लिए आपसे वो सवाल पूछा गया है। मान लो कि अगर आपने बोला कि भाई हमारे तो 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में 55% ही आए थे, तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको रिजेक्ट कर दे कि नहीं तो तुम्हारे तो बहुत ही बुरे मार्क्स आए तो तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा नहीं होने वाला है। वो सिर्फ जानकारी के लिए आपसे पूछा गया है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यू नो चेक करने के लिए पूछा गया है, वो डिसाइडिंग फैक्टर बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। अच्छा, अब मेरी इन सारी बातों को सुनने के बाद अधिकतर बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि मैम अगर 10th बोर्ड एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो अगर इतना मैटर करता ही नहीं है तो फिर हमने साल भर इतनी मेहनत करी ही क्यों, हम क्यों क्लास 10th का जो सेशन है वो शुरू होते ही पढ़ाई में लग गए थे, हमने पूरे साल इतनी मेहनत करी ही क्यों, क्योंकि आफ्टर ऑल 10th बोर्ड एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो ना हमको हमारे ड्रीम कॉलेज में सिलेक्शन करवाएगा ना हमें कोई जॉब दिलवाएगा, तो फिर हमने क्लास 10th में इतनी मेहनत करी ही क्यों, ना करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मैं मानती हूँ बेटा कि क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन का जो आपका रिज़ल्ट है वो कुछ समय के बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन देखा जाए तो पूछा तो आपसे कक्षा 1 से लेकर के 9वीं तक का रिज़ल्ट नहीं जाता, लेकिन फिर भी 1st to 9th क्लास तक हर क्लास में हम मेहनत तो करते हैं ना, जी जान से पढ़ाई तो करते हैं ना, बचपन में तो अकल नहीं होती लेकिन फिर भी मम्मी पापा डांट फटकार करके पढ़ने बिठाते हैं ना, रैंक के लिए तो हम हर क्लास में मेहनत करते ही हैं, तो वैसे ही हमने क्लास 10th में भी मेहनत करी। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि क्लास 10th बिल्कुल ही यूज़लेस होती है ना, ऐसा नहीं है। क्लास 10th इनफैक्ट क्लास 9th ऑल्सो, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, इनको तो हम बेटा फाउंडेशन क्लासेस बोलते हैं। फाउंडेशन जो वर्ड है ना वो अपने आप में ही इन दोनों ही क्लासेस की जो इंपॉर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, उसको क्लियर कर देता है। वो कहते हैं ना कि अगर नींव मजबूत हो तो इसके ऊपर जो इमारत बनती है वो भी बहुत मजबूत होती है, ठीक वैसे ही अगर आप क्लास 9th और 10th इन दोनों ही क्लासेस के सिलेबस को यदि आप बहुत ही डिटेल में जाकर के समझते हो, कॉन्सेप्ट्स को अगर आप क्लियर करते हो, तो हायर क्लासेस मतलब 11th 12th में जाकर के आपको दिक्कत कम आती है, क्योंकि क्लास 9th और 10th के सिलेबस में जो आप कॉन्सेप्ट्स जो टॉपिक्स आप पढ़ते हो उन्हीं का एक एडवांस वर्जन आपको देखने को मिलता है 11th और 12th के सिलेबस में। तो इसलिए फाउंडेशन जो है उसको मजबूत रखो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, माना कि क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो इतना कुछ खास मैटर नहीं करता, बट 12th बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो तो मैटर करता ही है, वो आपसे हमेशा पूछा जाएगा और हर कहीं पूछा जाएगा। और किस तरीके से कभी कभी 12th बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है आपके लिए कि आपको आपको ड्रीम कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया वीडियो में कुछ देर पहले। इन शॉर्ट 12th बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो आपका बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए एनी हाउ, और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को बेहतरीन बनाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट्स अपने क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन को बहुत ही सीरियसली लें। अब आप पूछोगे कि मैम 10th बोर्ड एग्जामिनेशन और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के बीच में क्या रिलेशन है, ये लिंक समझ में नहीं आया। रुको, आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो कि मानो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि बेटा आज के इस सेशन से क्लास 10th के लेवल पर जो बोर्ड एग्जाम्स हुआ करते थे अब वो नहीं होंगे, यानी कि अब आपको क्लास 10th के लेवल पर फाइनल एग्जाम्स तो देने होंगे बट वो बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे,
बोर्ड एग्जाम्स अब आपको सिर्फ देने होंगे क्लास 12th के लेवल पर जाकर के। तो ऑब्वियसली ये न्यूज़ सुनकर के सभी बच्चे हैप्पी तो बहुत हो जाएंगे, क्योंकि पहली बार में जब हम ये बात सुनते हैं कि चलो क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन अब नहीं होंगे, क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन का जो भूत था, जो हमें हॉन्ट करता था, वो हमारे सर के ऊपर से निकल गया, अब हम सीधे देंगे बोर्ड एग्जाम 12th के लेवल पर जाकर के, तो पहली बार में ये बात सुनने पर बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब हम इसके बारे में थोड़ा गहराई में जा करके सोचते हैं और समझते हैं, तो फिर रियलाइज़ होता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गया मामला। क्यों? एक्चुअली होता ये है कि जब हम क्लास 10th के ही लेवल पर बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्ज़ाम्स का जो पूरा स्ट्रेस होता है वो हमें 10th के लेवल पर, मतलब इनिशियल स्टेज में ही हैंडल करना हमें आ जाता है। 10th के लेवल पे ही हमको पता चल जाता है कि हाँ भाई बोर्ड एग्ज़ाम्स एग्जैक्टली होते क्या हैं और उन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारियाँ कैसे करनी होती हैं, आंसर्स कैसे लिखने होते हैं, प्री बोर्ड्स में कैसे जो है ना अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है, कैसे प्री बोर्ड्स देने चाहिए, अपने स्कूल को छोड़ करके दूसरे सेंटर में जा करके बोर्ड एग्ज़ाम या एग्ज़ाम कैसे दिए जाते हैं, आपको ऑलरेडी ये सब चीज़ों का अंदाज़ा, आइडिया आपको मिल जाता है 10th के ही लेवल पर। तो जो बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पूरा स्ट्रेस होता है ना, वो बेटा वो 10th के लेवल पर ही डील करना सीख लेते हो अगर आप 10th में बोर्ड एग्ज़ाम देते हो तो। और मान लो कि अगर आपको 10th में ये ऑप्शन मिल गया कि नहीं आप बोर्ड एग्ज़ाम मत दो, सीधे 12th में जा करके देना, तो होगा क्या? होगा ये कि जब आप ज़िंदगी में पहली बार क्लास 12th में बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे ना, तो आपके ऊपर बेटा बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का इतना स्ट्रेस पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके रिज़ल्ट पर आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो बहुत मैटर करता है, उसमें हम कोई भी लापरवाही अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर हमने ज़िंदगी में पहली बार जाकर के 12th में बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए, तो पूरा जो प्रेशर होता है कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, दूसरे सेंटर में जाकर के एग्ज़ाम कैसे देना है, वो पूरा स्ट्रेस बेटा आपके ऊपर एक साथ आके गिरेगा। 12th में आकर के सिलेबस तो हो ही जाता है बहुत ही ज़्यादा वास्ट, ऊपर से आप 11th 12th के लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारियाँ कर रहे होते हो, तो कुल मिलाकर के बच्चे के ऊपर इतना स्ट्रेस पड़ जाता है कि फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है, जो होना नहीं चाहिए था। तो इसीलिए ये एक रूल बनाया गया है भाई। पहले के ज़माने में 5th और 8th स्टैंडर्ड में भी जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, लेकिन अब वो हटा दिया है, अब सिर्फ बोला है कि भाई 10th एंड 12th। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 12th के पहले आप लोग 10th में एक बार बोर्ड एग्ज़ाम ऑलरेडी दे चुके रहते हो, आपको पता होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स का जो स्ट्रेस है वो आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे आपको उसके साथ डील करना है, ताकि 12th में जा करके आपको कुछ नया ना लगे कि भाई ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमको पूरा अब फोकस करना है 12th के सिलेबस के ऊपर। तो इसीलिए 10th बोर्ड एग्जामिनेशन को सीरियसली ना ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के ऊपर पड़ता है, जो आपसे हर कोई हर कभी पूछता है। मेरी इन सारी बातों को सुनने के बाद आप लोग कन्विंस हो गए होंगे कि हाँ डेफिनेटली क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट तो है, रिजल्ट कोई पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है वो बात की बात है, लेकिन हाँ 10th बोर्ड एग्जामिनेशन आपके लिए ज़रूरी है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि मैम चलो ठीक है मान लिया कि 10th बोर्ड एग्जामिनेशन ज़रूरी है, लेकिन जो मार्कशीट मिलेगी रिजल्ट के बाद, वो मार्कशीट की तो कोई वैल्यू नहीं है, है ना, उसको हम देखेंगे और इसके बाद में उसको फेंक देंगे। फेंकना नहीं है बेटा, डिस्कार्ड नहीं करना है, वो जो आपके 10th बोर्ड एग्जामिनेशन की जो मार्कशीट होती है, जैसे ही आपको मिले आप उसको बढ़िया सा लेमिनेट करा लो और लेमिनेशन के बाद उसको एक सेफ जगह पे रख दो, ताकि वो ज़िंदगी भर आपके साथ बनी रहे। क्योंकि वो जो 10th बोर्ड एग्जामिनेशन की जो मार्कशीट है, रिजल्ट आपसे कुछ कोई नहीं पूछेगा 10th बोर्ड का, लेकिन जो मार्कशीट है वो आपसे हर कहीं पूछी जाएगी। क्योंकि सपोज़ आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, तो फॉर्म में जो है 10th की मार्कशीट वहाँ पर लगती है, मैंडेटरी होती है, ऑप्शनल नहीं होती है। कहीं ना कहीं आपकी जो 10th बोर्ड एग्जामिनेशन की मार्कशीट होती है वो आपका एक आईडी प्रूफ बन जाती है, एज प्रूफ बन जाती है, और उसी के बेसिस पर पासपोर्ट वगैरह भी बनते हैं आजकल। तो वो मार्कशीट को बेटा डिस्कार्ड नहीं करना है, उसको प्रॉपरली लेमिनेट करा करके बहुत ही हिफाजत के साथ जो है आपको हमेशा के लिए उसको रखना होगा।
सो आई होप कि इस वीडियो में जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप डेफिनेट सक्सेस पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।